हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो बेटा, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डिवीजन। ठीक है, तो चैप्टर 9 में हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? डिवीजन पढ़ना है। पिछले 3 चैप्टर में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों चीजें हम लोगों ने सीख ली है। और बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट चैप्टर में कि आपको 1 से लेकर 10 तक टेबल लर्न करनी है, तो सभी बच्चों ने टेबल लर्न कर ली। क्योंकि बेटा, जब आपके टेबल लर्न हो जाएंगी तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, दोनों के क्वेश्चंस इजीली आने लगेंगे। तो टेबल याद करना बेहद ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल्स, क्योंकि बेटा, तो अभी मैंने बस आपको 1 से लेकर 10 तक टेबल लर्न करने के लिए बोला है। अगली क्लासेस में फिर आपको 20 तक भी टेबल लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी कर लो तो अच्छा रहेगा। चलो बेटा आ जाओ, देखिए क्या बोला गया। लाइक मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखो, जैसे मैंने आपको बोला था, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? रिपीटेड एडिशन। ऐसे ही डिवीजन का मतलब क्या है बेटा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, इन डिवीजन वी फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स वी कैन सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अ बिगर नंबर। हम लोग क्या करते हैं बेटा डिवीजन में, ये फाइंड करते हैं कि कितने बार हम लोग अपने नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिगर नंबर जो हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स डिवाइडेड 8 into 4 इक्वल ग्रुप। 8 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या है कि हमको 8 को 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। लेट सी हाउ 8 बॉल्स आर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में जो 8 बॉल का ग्रुप है उसको हम लोग 4 इक्वल ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, देखो बेटा हमारे पास में, देखो यहां पर क्या है, ये 8 बॉल्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम लोगों ने ईच ग्रुप 2 बॉल्स डिवाइड कर दी, हर एक ग्रुप में इक्वली डिवाइड करना है, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी में 3 कहोगे किसी में 1 होगे, नहीं, हर एक ग्रुप में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो हमारे हर एक ग्रुप में 2-2 बॉल्स डिवाइड होगी। ऐसा हमने क्यों किया? हमने किया बेटा 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 8, तो हर एक ग्रुप में कितनी बॉल्स आनी चाहिए? 2 बॉल्स आनी चाहिए। डेट्स वाई हमने हर एक ग्रुप में 2-2 बॉल को रखा। चलिए आ जाइए, देखो आगे क्या बोला गया। नाउ इट्स टाइम टू पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स, राइट डाउन व्हाट डज ईच ऑफ डिवीजन स्टेटमेंट मींस। अब देखो, अब ये सारी चीजें तो बात की बात है, बट अब हम लोगों को देखना है कि डिवीजन का स्टेटमेंट आखिरकार कहता क्या है, मतलब क्या है उसका। Also find out in each cases how many numbers equal each equal group contains, जैसे we use divide to show division। हम लोग क्या इस sign का use करते हैं division के sign के लिए। चलिए आ जाइए, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना काम करेंगे जो हम लोगों को division के अंदर करना। Divides 8 burgers between 2 children equally। हम लोगों को क्या करना बेटा, 8 बर्गरों को डिवाइड करना है 2 चिल्ड्रंस में बराबर। ठीक है, 8 बर्गर को डिवाइड करना है 2 चिल्ड्रन में, तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, हम लोग यहां पर क्या है, देखो डिवाइड 8 बर्गर, देखो 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, एक एक बर्गर दोनों को दे दिया, 6 बर्गर बचे, फिर हमने फिर से एक एक बर्गर दोनों को दिया, फिर से एक एक बर्गर दोनों को दिया, फिर से एक एक बर्गर दोनों को दिया, तो कितने बर्गर होंगे टोटल? 1 2 3 4। एक बंदे के पास, एक पर्सन के पास कितने बर्गर होंगे बेटा? 4 बर्गर होंगे। ऐसे इधर देखो, हमारे पास में क्या है, डिवाइड 20 डॉल्स अमंग 5 चिल्ड्रन इक्वली। 5 बच्चों में 20 बॉल्स को इक्वली डिवाइड करना, तो देखो 20 माइनस 5 कितना होगा बेटा? 15 वन टाइम, 15 माइनस 5 कितना होगा बेटा? 10 टू टाइम, है ना। उसके बाद में 10 माइनस 5 कितना होगा बेटा? 5 3 टाइम्स, और बेटा 5 माइनस 5 कितना होगा? 0 4 टाइम्स। तो हर एक बच्चे के पास में कितने होंगे बेटा, हर एक चिल्ड्रन के पास में हम लोग 4 डॉल्स देंगे, तो 5 चिल्ड्रन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
ठीक है, ऐसे आप लोगों को बेटा यहां पर आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। आगे वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को ऐसे ही सोल्व करना है बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो देखो यहां पर भी हम लोगों को यहां पर आंसर लिख लेना 4 आएगा, ठीक है, ऐसे आप लोगों को इधर भी लिख लेना। चलो अब आगे आ जाते हैं, डिवीजन बाय डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। देखिए डिवीजन आल्सो मींस डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इक्वली, डिवीजन का मतलब क्या होता है, चीजों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना बराबर, इक्वली, बिल्कुल भेदभाव नहीं, बिल्कुल इक्वली, ठीक है। सपोज सिमरन एंड हर फैमिली कम टू सोमियाज हाउस, मान लो कि जो सिमरन है और उसकी फैमिली है वो सोमिया के घर पर गई, ठीक है। सोमियाज मदर गिव हर 12 पेटीज पेस्ट्रीज, जो क्या है, सोमिया की मदर ने क्या कहा, 12 पेस्ट्री किसको दे दी, सोमिया को दे दी, ठीक है। शी सेड टू सोमिया टू पुट दीज पेस्ट्रीज इन 3 प्लेट्स इक्वली, उन जो सोमिया की मम्मी थी उन्होंने क्या बोला कि इन 12 पेस्ट्री को 3 प्लेट्स में इक्वली रख दो, ठीक है। तो अब कैसे कैसे रखा जाएगा भाई, 3 प्लेट में इक्वली, देखो 1 प्लेट, 2 प्लेट और 3 प्लेट, यानी कि एक प्लेट में 4 पेस्ट्री आएगी, ठीक है। हाउ विल सोमिया डू इट, अब सोमिया इसको कैसे करेगी, देखो वो भी बता देते हैं। एट द नंबर ऑफ प्लेट्स आर 3, सोमिया मेक ग्रुप ऑफ 4 पेस्ट्री, देखो 3 प्लेट्स है, सोमिया ने क्या किया, 4-4 पेस्ट्री का ग्रुप बना लिया और हर एक प्लेट में इक्वल पेस्ट्री आ गई, वही मैंने आपको भी करके दिखाया था, ठीक है। नाउ शी कैन पुट 1 पेस्ट्री इन ईच प्लेट फ्रॉम ईच ग्रुप, उसने पहले सबसे पहले क्या किया, देखो she can put 1 पेस्ट्री इन ईच प्लेट फ्रॉम ईच ग्रुप, उसने क्या है, सबसे पहले एक पेस्ट्री हर एक ग्रुप में रखी, ठीक है। हाउ मैनी पेस्ट्री आर, कितनी पेस्ट्री थी, 12 थी। हाउ मैनी पेस्ट्री प्लेट्स आर, 3 प्लेट थी। हाउ मैनी पेस्ट्री ग्रुप आर, हमारे पास में क्या है बेटा, पेस्ट्री के कितने ग्रुप है, एक ग्रुप में 4 पेस्ट्री है, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना जाएगा, 4। तो डिवाइड करके हमें यहां से पता लग गया कि एक ग्रुप में हमें 4, यानी कि एक प्लेट में 4 पेस्ट्री रखनी है। डायरेक्टली देखो बेटा, 12 पेस्ट्री थी, प्लेट 3 थी, 3 थी, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, पर प्लेट में 4 पेस्ट्री रखी जाएगी, ठीक है। चलिए, सो सोमिया विल पुट 4 पेस्ट्री इन ईच प्लेट, यही बात हम लोगों ने पहले आपको बता दी, ये हमारे 4 प्लेट, 3 प्लेट में 4-4, एक प्लेट में 4 पेस्ट्री सोमिया ने रख दी। चलिए देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग बिटवीन 2 बॉयज इक्वली, अब हम लोगों को इन चीजों को 2 बॉयज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो यहां पर कितनी बॉल्स है बेटा, 14 बॉल्स है और 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 14 डिवाइड बाय 2 7 आ जाएगा, ठीक है। 18 रोज है, 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 18 डिवाइड बाय 2 बेटा 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 15 डिवाइड बाय 3, 15 पेंसिल है और अब क्या है बेटा, 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखो 15 है, 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, क्या जाएगा बेटा 5। 9 चॉकलेट्स है, 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 चॉकलेट है, 3 स्टूडेंट में, 3 3 जा 9, ठीक है बेटा। चलो आगे आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग इन 4 चिल्ड्रन, अब ऐसे 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैसे डिवाइड करके लिखना आप लोग खुद से, ये 5 गर्ल्स इक्वली, 5 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 से डिवाइड करके लिखना। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग अमंग 6 मैन, चलो मैं एक एक पार्ट मैं करके दिखा देता हूं और एक पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा बेटा 20, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्ट्रीब्यूट दे अमंग 5 गर्ल्स, 30 हमारे पास में फ्लोवर है, 5 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 6 जा 30, 6, ठीक है। देखो बेटा 6 मैन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 24 कैप है, 6 मैन है, 6 4 जा 24, तो ये हर एक के पास में कितनी कैप जाएगी, 4, ऐसे आपको ये वाला खुद से करना है। चलो आगे आ जाओ, वर्कशीट सोल्व करेंगे।
डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या एडिशन बेटा, सब्ट्रैक्शन। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 27? 27 में से कितनी बार हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा? 9 टाइम्स। ठीक है, 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 सिक्स जा बेटा 42, सोल एंड फिल दी क्वार्टेंट। हमारा क्या है बेटा, यहां पर देखो क्वार्टेंट को हम लोगों को फिल करना है इनको सोल करके। सिंपली देखो, 7 7 जा 49, 7 आ जाएगा, 9 7 जा 63, 7 आ जाएगा, 2 9 जा 18, 9 आ जाएगा, ये वाला खुद से सोल्व करना। चलो आगे आ जाओ, वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 18? 18 में से 2 कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? 9 टाइम्स, क्योंकि 2 9 जा 18। 35 पेंसिल वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 7 बॉयज। देखो बेटा, 35 पेंसिल है, 7 बॉयज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, 7 5 जा 35 होता है। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। फिल्ड इन द बॉक्सिस, बॉक्सिस को फिल करना है। देखो बेटा क्या बोला गया, 32 डिवाइड बाय 4, 4 8 जा 32, 8। 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49। 54 डिवाइडेड बाय 6, 6 9 जा 54। 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25 5। ठीक है बेटा, रिमेनिंग ये पार्ट आप लोगों को खुद से सोल्व करने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर ही खत्म हो गया। चलिए तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 9 भी हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मनी, मनी पैसा, पैसा के बारे में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो होमवर्क दिया है वो जरूर पूरा कर लेना और टेबल्स भी याद कर लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बाय बाय।